हाँ दोस्तों, आईपीएल 2023 का आज एक और शानदार मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में आज शाम 7:30 बजे एम चिदंबरम स्टेडियम में खेले जाने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि इस शानदार मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपनी अपनी टीम में प्लेइंग 11 को लेकर बड़े बदलाव किए हैं। दोस्तों हम आपको प्लेइंग 11 की तो पूरी जानकारी बताएंगे ही बताएंगे, साथ में ही हम आपको स्टेडियम की पिच रिपोर्ट और ड्रीम 11 और क्रिकेट फैंटेसी ऐप की पूरी जानकारी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको क्या लगता है कि आज का ये शानदार मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस में से कौन सी टीम जीतेगी और फाइनल्स में क्वालिफाई कर पाएगी, हमें अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की पूरी जानकारी, जिसमें सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से प्लेइंग 11 की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से सबसे पहले ओपनिंग करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के साथ डीवॉन कॉनवे आएंगे। उसके बाद फर्स्ट राउंड में अजिंक्य रहाणे और अंबाइती रायडू आएंगे। उसके बाद शिवम दुबे और मोइन अली आएंगे। उसके बाद रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी आएंगे और उसके बाद दीपक चहर और तुषार देशपांडे आएंगे और उसके बाद आखिर में महेश तेजखाना आएंगे। और वहीं गुजरात टाइटंस की ओर से प्लेइंग 11 की बात करें तो गुजरात टाइटंस की ओर से ओपनिंग करने के लिए सुमन गिल के साथ वृद्धिमान शाह आएंगे। उसके बाद फर्स्ट राउंड में विजय शंकर और हार्दिक पांड्या आएंगे। उसके बाद सेकंड राउंड में डेविड मिलर और दसुन संका आएंगे। उसके बाद राहुल तेवतिया और मोहित शर्मा आएंगे। उसके बाद राशिद खान और मोहम्मद समी आएंगे और आखिर में नूर अहमद आएंगे। दोस्तों ये तो थी दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की जानकारी। तो चलिए दोस्तों आप जानते हैं स्टेडियम की पिच रिपोर्ट। दोस्तों आपको बता दें कि आज का ये शानदार मुकाबला एम चिदंबरम स्टेडियम में खेले जाने वाला है, जहां पर इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का पहला क्वालिफायर मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में है। इस सीजन में गुजरात और सीएसके की टीम दूसरी बार एक दूसरे से भिड़ रही है। पहली टक्कर में गुजरात की टीम ने सीएसके पर भारी पड़ी थी। ऐसे में सीएसके की कोशिश होगी कि वे अपने घर में गुजरात से हार का बदला लेकर फाइनल्स का टिकट हासिल करें। हालांकि सीएसके के लिए यह जीत इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि वे गुजरात को आईपीएल में अभी तक नहीं हरा पाई है। ऐसे में धोनी के घर में गुजरात को संभल कर मैदान पर उतरना होगा। हालांकि पहले क्वालिफायर मैच में अगर कोई भी टीम हार भी जाती है तो उसे एक और दूसरा मौका मिलेगा, लेकिन सीएसके और गुजरात में से कोई भी ऐसा नहीं चाहेगी कि वे दूसरे क्वालिफायर के लिए जाए। दोनों की कोशिश होगी कि वे पहले क्वालिफायर में ही जीत हासिल करके फाइनल्स में अपनी जगह बना ले। हालांकि उससे पहले आइए जानते हैं पहले चैंपियन के मैदान पर खेले जाने वाले इस मैदान के लिए कैसी रहेगी पिच और क्या रहेगा मौसम का हाल। दोस्तों आपको बता दें कि एम चिदंबरम स्टेडियम की पिच को अच्छी और एक सामान उछाल के लिए जाना जाता है। इस कारण पिच से बल्लेबाजों को काफी अधिक मदद मिलने की उम्मीद भी रहती है। बल्लेबाज आसानी से बड़े शॉट खेलने में सक्षम होते हैं। हालांकि बीच में ओवर्स में स्पिनर अपना दबदबा बना लेते हैं। ऐसे में जिस टीम ने भी स्पिनर अटैक को अच्छे से संभाल लिया उसका मैच में जीतने की संभावना अधिक हो सकती है। इस पिच पर टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है। यहाँ के मैदान पर रनों का पीछे करते हुए टीम काफी सफल रही है। वहीं आंकड़े की बात की जाए तो गुजरात और सीएसके की टीम ने कुल 3 बार इस लीग में एक दूसरे से भिड़ चुकी है। हालांकि ये पहला मुकाबला होगा जब गुजरात की टीम ने चैंपियन के मैदान पर खेलने उतरेगी। ऐसे में हार्दिक पांड्या को बहुत चुनौती और मुश्किल होने वाली है। और वहीं चेन्नई के तापमान की बात की जाए तो मौसम बिल्कुल साफ रहने की उम्मीद है। दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहने तक की उम्मीद है। हालांकि मुकाबला शाम को 7:30 पर खेला जाएगा। ऐसे में उस मैदान पर गर्मी से थोड़ी राहत तो मिलेगी लेकिन उमस जरूर परेशान कर सकती है। और वहीं दोस्तों ड्रीम 11 की टीम की बात करें तो आप अपनी टीम में विकेट कीपर के रूप में वृद्धिमान शाह और डीकॉन कॉनवे को रख सकते हो। और वहीं बैट्समैन की बात करें तो आप गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी डेविड मिलर को भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आप सुमन दुबे को चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज के रूप में भी रख सकते हो। उसके बाद सुमन गिल को आप ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में भी रख सकते हो। उसके बाद आप चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी ओपनिंग बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को भी ट्राई कर सकते हो। और वहीं ऑलराउंडर की बात करें तो ऑलराउंडर के रूप में आप चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आप गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। और वहीं बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स के रूप में आप चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज दीपक चहर को भी ट्राई कर सकते हो। और वहीं गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी मोहम्मद समी और राशिद खान को भी आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। और वहीं टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो आप अपनी टीम में सुमन गिल को कैप्टन बना सकते हो। और वहीं
इवन कॉनवे को आप वाइस कैप्टन के रूप में भी रख सकते हो। दोस्तों यही थी ड्रीम इलेवन की टीम की पूरी जानकारी। दोस्तों अगर आप भी आगे आने वाली आईपीएल की और भी जानकारी जानना चाहती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको क्या लगता है कि इस बार कौन कौन सी दो टीमें फाइनल्स में क्वालिफाई कर पाएंगी, हमें अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।